तो क्या भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ होंगे यूपी के अगले सीएम? क्या योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी सीएम के रूप में निरहुआ की होगी ताजपोशी? क्या बीजेपी सांसद निरहुआ आने वाले यूपी चुनाव में बीजेपी के फेस होंगे? यूपी की सियासत में अचानक से ये सारे सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, चलिए हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल भोजपुरी के सबसे चहेते स्टार अरविंद अकेला कल्लू की अभी दो दिन पहले ही शादी हुई है। शादी में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली के साथ पहुंचे। यहीं पर निरहुआ की तारीफ करते हुए कल्लू ने कहा, हम चाहते हैं कि दिनेश जी को अब मंत्री पद मिले। उन्होंने कहा, दिनेश लाल यादव जी पहले सांसद बने, अब मंत्री बन जाएं और फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। बनारस में शादी हो रही थी तो कल्लू ने यह भी कहा कि बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि निरहुआ जी को सीएम बनने का आशीर्वाद जरूर दें। कल्लू की शादी में भोजपुरी के तमाम दिग्गज मौजूद थे और सबने इसे लेकर हामी भी भर दी। चलिए आपको सुनवाते हैं कि कल्लू ने निरहुआ के लिए क्या क्या कहा। भैया जब चुनाव लड़ रही पहला दिन तो हम आपके चुनाव प्रचार में गए रही और एगो गाना भी बोले रही कि सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है। और वो गाना बहुत लोग पॉलिटिक्स में राजनीति में बहुत लोग गाना गावा, लेकिन हाईएस्ट व्यूज अभी तक के अगर कोनो गाना के बारे राजनीति में तो दिनेश भैया की ही बात कि दर्शन भारी पड़ल पांच साल पर कमल छाप पर। इस बार जितने लोग मोबाइल के जरिए तो ये आजमगढ़ के पूरे विश्व में फैल जाएगा। इस बार आप सांसद हैं और इस बार आप लड़ेंगे और आपके लिए दूसरी बार मैं नहीं आ पाया था लेकिन इस बार एक महीना में रहूंगा और बाबा विश्वनाथ जी से ये कहूं कि सांसद बने अगला बार मंत्री पद मिलो और ओकरा अगला बार यूपी में पहला दिनेश लाल यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना थैंक यू कब आपके उतना कम हुई। तो सुना आपने, अब चूंकि भोजपुरी के सभी बड़े दिग्गज चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी या फिर निरहुआ, सभी बीजेपी से ही आते हैं। ये सभी यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद भी करते हैं और उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भोजपुरी स्टार कल्लू के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एक शादी समारोह में हल्के फुल्के अंदाज में कही गई बात थी, लेकिन ये तो जरूर है कि कल्लू के इस बयान ने एक नया सियासी माहौल तैयार कर दिया है।